केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करते वक्त अगर गलती से हमारी स्किन पर एसिड गिर जाए तो हमें बहुत जलन होगी, स्किन डैमेज होने का भी खतरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है? तो ये हमारे स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? आइए समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जब हमारे स्किन पर गिरता है तब ये हमारे स्किन को सिर्फ जलाता नहीं बल्कि उसमें छेद भी कर सकता है। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस, जिसे कि आम भाषा में श्लेष्म लेप कहते हैं, उसकी मोटी परत होती है जिसकी वजह से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और ये ही नहीं, ये एसिड हमारे स्टमक में एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करके रखता है ताकि पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर डाइजेस्ट कर सके। फूड डाइजेशन के लिए अहम रोल प्ले करने वाला एसिड कैसे हमारी खुद की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये तो हमने समझ लिया। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी एक फ्लॉलेस एंड बैलेंस्ड इंजीनियरिंग का बेहतरीन एग्जाम्पल है। आकाश एडु टीवी इज नाउ अवेलेबल ऑन फोन फॉर रजिस्टर्ड जियो सिम यूजर्स। जस्ट डाउनलोड द जियो टीवी ऐप एंड स्टार्ट JEE नीट प्रेपरेशन ऑन आकाश एडु टीवी। टू लर्न फ्रॉम आकाश एक्सपर्ट्स ऑन टीवी, रजिस्टर्ड एयरटेल DTH यूजर्स कैन सब्सक्राइब टू चैनल 467 फॉर JEE एंड चैनल 478 फॉर नीट। गिव अ मिस कॉल ऑन 9154052467।